करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, वो बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत आला वीडियो है और बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम जो नात पढ़ने के लिए जो सामान यूज़ करते हैं, उसमें कौन कौन सा सामान हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए, फर्स्ट टाइम चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप ये वीडियो को एंड से लेके आखिर तक देखें, और जो भाई नए आते हैं ना इस चैनल पे, वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी ना सबसे पहले आप तक आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑर्डर कर दिया था सामान, आज नहीं आया, सॉरी, कल इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, आप लोगों को क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक माइक, ठीक है, सबसे पहली बात माइक की से पढ़ना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको चाहिए एक माइक, आपको लेना है माइक। देखो मेरी बात सुनो, माइक 350 वाला भी आता है, 500 वाला भी आता है, 1000 वाला भी आता है, जैसी आपकी हैसियत, आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। आपकी जैसी प्रैक्टिस के टाइम आपकी जैसी हैसियत, आप महंगा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, माइक के साथ केबल आ जाता है, और जो मैंने लिया उसके साथ नहीं आता तो बनवाना पड़ता है लोगों को। ठीक है, और दूसरी बात, जैक टू जैक पिन आती है। ठीक है, जैक टू जैक आती है, इसमें देखो ये जैक और ये जैक, इस तरह का जैक आता है, जैक टू जैक जिसे बोलते हैं, दो दो साइड लगती है वो। एक तो लगती है एम्पलीफायर में, चलो आपको जो बता देता हूँ पहले, बाद में सारी बात बता दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा वो बता उसके साथ बता के भी आपको वीडियो बता दूंगा। ठीक है, और ये दो आइटम होगी। तीसरी आइटम लेना है आपको इको। अब इको आपको कौन सा लेना है वो आपके ऊपर है, मैं तो भाई DD6 यूज़ करता हूँ, तो ज़रूरी तो नहीं कि आप भी DD6 यूज़ करें, आप बेरिंगर का DD600 भी यूज़ कर सकते हैं, DD3 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक अभी नहीं मिल रहा है, बाकी वो इको प्रैक्टिस के लिए बहुत प्यारा था, DD2 बहुत अच्छा था, वो मिल ही मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है क्या कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो। बाकी कंपनी ने पता नहीं क्यों बंद किया है, बाकी बहुत माशाल्लाह मैं जो नात आज पढ़ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो धूम मचा रहा हूँ, तो ऐसी बात तो नहीं, अच्छा पढ़ रहा था मैं तो, अच्छी आवाज़ थी अल्लाह के करम से, लेकिन जो प्रैक्टिस के वक्त में जो मुझे उसका साथ मिला बहुत प्यारा मिला। ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हो, और भी अदर कोई इको DD5 DD7 जिसका जैसा माइंड हो, हमारा माइंड DD7 तक ज्यादा है। और ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसमें एक और चीज़ आएगी एलिवेटर, जो उसके साथ में नहीं आता है, एडेप्टर जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, एडेप्टर आएगा, कि एडेप्टर लेना पड़ेगा, और आपको लेना पड़ेगा स्पीकर। अगर आप नॉर्मल वाला लेंगे एम्पलीफायर जो 1000 1800 का आता है, तो उसके साथ आपको दो स्पीकर लेने पड़ेंगे, 8 इंच के ऐसे स्पीकर आते हैं, 8-10 इंच के स्पीकर आते हैं, तो आपको वो दो स्पीकर लेने होंगे। ठीक है, एक एम्पलीफायर और फिर उसके साथ में स्पीकर। सामान कितना हुआ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आइटम हो गए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये सब सामान लेके देखिए कि आपको ये चीज़ भी समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। मैं यार बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, मुझे मतलब बहुत सोच सोच के बोलना पड़ रहा है, ताकि आप लोगों के जहन में ये बात बैठ जाए। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन बेचारे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। ये चीज़ आप ले लें पहले, फिर बिना सर प्रैक्टिस करें, माशाल्लाह आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आपका सारा काम आगे का काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँ, तो चीज़ आपको आप जैसा बोलो तो मैं वैसा आपको करके भी दिखा देता हूँ, सारा ही सामान ज्वाइनिंग करके आपको उसको पढ़ के, सॉरी, इसमें लगा के वो आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप चाहो तो 2 मिनट लगेगी। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप एम्पलीफायर में आपको क्या करना है, कि एम्पलीफायर में
ये देखिए यहाँ पे है, ये तो मेरे पास तो एम्पलीफायर है, लेकिन आप अगर सादा वाला पेटी लेंगे जो 800,000 का मिलता है, ये मेरे पास तो एम्पलीफायर है, तो ये तो महंगा हो जाता है, बहुत महंगा है। तो आपको क्या करना है, आपको आप कम बजट वाला ये कम से कम 2500 के आसपास है, तो आपको कम वाला ले सकते हैं। तो ऐसे वायर इसमें लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एलिमीटर है ये लगा लिया केबल में, ठीक है। उसके बाद आपको देखो, मैं परफेक्ट आपको पूरा वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप लोग नहीं देखोगे तो आपकी गलती है, आपके ऊपर है, फिर आप वही चीज़ आपके माइंड में डिस्टर्ब हो जाती है। ये एक केबल यहाँ लगती है इसमें, दूसरी जो जैक बताया था आपको, दूसरी ये लगती है या इसमें, ठीक है। और ये जो माइक है ना, ये जो माइक ये लगता है ये इसमें, फिर तो आपके ऊपर है कि आपको किस में लगाना है, इसमें भी लगा सकते हो, लेकिन DD6 में पड़ रहा था इसमें लगा सकते हो। जैसे समझो ना, ये आउट इनपुट में है तो वो आउट में रहेगा हमेशा, वो तो सब में है, तो आप किस में भी लगाओगे तो आउट और इनपुट तो अलग अलग रहता है ना, कोई भी इको में, तो किस में इसमें से आवाज़ इसमें जा रही है, इसमें से बाहर आ रही है, समझ गए आप, ठीक है। तो देखो मेरे पास तो भाई कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है नीचे रखने के लिए कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, बस मेरा एक मकसद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, पढ़ें, तो फिर आपका भी मतलब अच्छा काम हो जाएगा। तो चलो, आज मैंने ये चीज़ बताई है आपको, ये चीज़ जो देखेगा उसके बाद इंशाल्लाह कल दूसरा सामान आएगा उसका भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। फिर भी कभी और वक्त मिला तो और भी कुछ सामान जो आएगा उसका वीडियो आएगा तो बना के बता दूंगा, ठीक है। और ये क्योंकि इसमें ये एनिमेटर है, ठीक है। एक और मैं आपको चीज़ नहीं बताया, ये जो है, आप वीडियो को उल्टा सीधा करके देख लेना भाई, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, मुझे भी पता नहीं, मैं बना रहा हूँ खाली, ठीक है। तो थोड़ी आप भी मेहनत कर दें, इसमें मेरा ऑलरेडी सेल लगा हुआ है, तो सेल लगा, लेकिन सेल शायद और उसका पूरा हो गया है, सेल और नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सेल को भी निकाल दूँ, मेरे कुछ काम का भी नहीं है, और तो ले नहीं रहा है वो, ये देखिए और नहीं ले रहा है, तो फिर उसको क्या करूँगा, लेकिन ठीक है, उसको मैं निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, मेरे कुछ काम का भी नहीं है। तो ये देखो इस तरह का सेल लगता है, यार निकल जाए जल्दी, वो परेशान कर रहा है यार, निकल जा भाई, देखिए ये वाला सेल है, तो इसको मैं, देखिए ये वाला सेल लगता है, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है, बिल्कुल लो है एकदम, इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं है, ठीक है। अब हम इसको फिर से पैक कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा पैक। तो ज़्यादा हो सके जितना एलिमेटर से चलाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, सेल से प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सेल ख़त्म हो जाता है जल्दी, एक घंटा भी नहीं चलता, आधा घंटा भी नहीं चलता, उसकी ताकत है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा बन गया, कल और भी अच्छी वीडियो आएगी, आप आए वीडियो पे तो सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं अपना बेल आइकन वगैरह से दबा दें, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।